मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। अच्छा, इसके पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। थोड़ा सा याद दिलाते चलें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच के अल्प की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं बच्चा, और पी एक सदिश राशि होती है। तो दोनों में से कोई एक आवेश और बीच के अल्प दूरी का गुणनफल पी बराबर हम लोगों ने जाना था 2QL, ये हम लोगों ने जाना था, जिसका मात्रक कूलम मीटर आया था, बीमा भी हम लोगों ने जाना था ना, LTA जो बीमा था इसका, कल पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था उसकी टॉपिक पर थोड़ा सा मैं विचार कर रहा था। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद हम लोगों ने जाना था बच्चा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसके लिए दो स्थितियाँ बताई गई थी, और दो स्थितियों के भीतर बच्चा पहला स्थिति था जो कल हमने आपको जो है डेरिवेशन के अंतर्गत हमने बताया था, और वो आपका सूत्र आया था लास्ट में, याद है आपको सूत्र? वो सूत्र था अच्छी स्थिति के लिए कि E=1/4πε0 और 2π/r³। तो ये पीछे हम लोगों ने टर्न पर पढ़ा था। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली स्थिति जो अच्छी स्थिति में था। तो ये E=1/4πε0 2π/r³ सिद्ध किया था। आइए आज हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, यहाँ पर फिर से विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, अच्छा यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव दिखाया गया है। यह वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की कुल अल्प दूरी कितना है, 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव ए बी अल्प दूरी क्या है, 2L है। अच्छा, इस वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है जो समान आवेश होंगे, एक है आपका ऋण क्यू आवेश, दूसरा है धन क्यू आवेश। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर ऊर्ध्व दिशा में बच्चा एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। आइए विचार करते हैं। तो यह दूरी जाने हम कि यह धन Q से दूरी P की क्या होगी, और उसी तरीके से ऋण Q से P की दूरी क्या होगी। तो विचार करें बच्चा, यह कोण हो जाएगा आपका समकोण, और कोण के सामने की भुजा जो होगी, अभी समकोण हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कण हो गया। लंब के रूप में क्या बच्चा, OP है आपका, आधार क्या है, OB है, और कण क्या है, तो BP है। अब विचार करेंगे जो दूरी धन Q से, तो उसी कण के आधार से निकाला जाएगा। मैं डायरेक्ट बताता हूँ कण बराबर क्या होता है, कणी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यह जो पूरी दूरी होगी BP की, वह दूरी होगी बच्चा आपका R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कहाँ, कणी में। तो जितना दूरी B से P की होगी वही दूरी A से P की होगी। तो ये दूरी भी बच्चा आपका उसी तरीके से हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर कणी में। तो ये हम लोगों ने दूरी को जान लिया है। अब इसके लिए हमें पूरा एक बात लिखनी होगी, उस लिखने के लिए थोड़ी सी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पर नहीं लिखूँगा, ध्यान से वीडियो रोक रोक करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऋण क्यू और धन क्यू आवेश से मिलकर के बना है, और एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी ऊर्ध्व में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इतना लिखने के बाद सीधे अब हम विचार करेंगे कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैसे होगी। तो धन Q के लिए अब यहाँ पर लिखेंगे, माना कि धन Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है,
तथा ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब धन क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वही फार्मूला हम रखेंगे बच्चा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, धन क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बोले थे धन क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो हम लिखेंगे बच्चा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 परावैद्युतांक, माध्यम क्या है K है, क्यू बटा में आर का स्क्वायर। अब दूरी के ऊपर विचार करें बच्चा, तो इस धन क्यू आवेश से पी की जो दूरी है वह कणी में क्या है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। जैसे ही हम इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो यह कणी हट जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और इसी को मैंने मान लिया समीकरण नंबर एक। उसी प्रकार से बच्चा ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऋण Q के कारण क्या हम बोले थे E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और उसी तरीके से होगा बच्चा Q बटा में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर दो। अच्छा E1 और E2 विचार करके देखें कि E1 की दिशा बिल्कुल Q की दिशा की तरफ बाहर की तरफ है, P से बाहर की तरफ है, जबकि ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी तरफ है, ऋण Q आवेश की तरफ है। तो इस तरीके से बच्चा अगर हम E1 और E2 को हम वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत और समांतर घटक लें तो क्या होगा, विचार करें, तो वैद्युत द्विध्रुव AB है और इसका हम ऊर्ध्व घटक लें, ऊर्ध्व घटक लें तो ऊर्ध्व के लिए जो प्रयोग होता है वो साइन का प्रयोग करते हैं, और समांतर घटक के लिए कैसा प्रयोग होता है, कास का प्रयोग होता है। आइए विचार करें, तो इस बिंदु P पर अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने के लिए धन क्यू और ऋण क्यू के कारण हमने ये जान लिया है कि समीकरण नंबर एक है और ये दूसरा है आपका समीकरण नंबर दो, लेकिन विचार करें कि इसकी जो दिशा है वो P से बाहर की तरफ है और एक है P से अंदर ऋण क्यू की तरफ है। तो अब यह घटक हम जब लेंगे AB के समांतर और लंबवत, तो विचार करें अगर हम लंबवत घटक लेते हैं तो चित्र नंबर बी में आइए, ये आपका चित्र नंबर ए है और ये आपका चित्र नंबर बी है, इसको हम थोड़ा सा निकाल के दिखाएं बेटा। तो ये जो है आपका बी है, तो बिंदु पी पर जो ऊर्ध्व घटक है जो इधर की तरफ काम करेगा, ऐसे जा रहा है तो ऊपर भी जा रहा है, तो ये जब जा रहा है ऊपर तो वो जो ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक माने लंबवत घटक है, इस E1 के कारण होगा आपका E1 साइन थीटा, और उसी तरीके से इसके E2 के लिए नीचे की तरफ होगा E2 साइन थीटा। जरा विचार करें, यह दोनों E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों बराबर हैं और दिशा में क्या है, विपरीत हैं। जरा विचार करके देखिए कि इस पर P पर इसका क्या असर होता होगा, ये निरस्त हो जाता होगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं, समान हैं, एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, धनात्मक के कारण ऊपर उतना ही बल से जा रहा है और उतना ही ऋण के कारण नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस तरीके से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरस्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम AB के समांतर घटक लें, जैसे ये है तो ये समांतर घटक हो गया, अगर हम समांतर घटक लेंगे तो E1 के कारण समांतर जो घटक होगा वो E1 cos थीटा होगा, और E2 के कारण जो समांतर घटक होगा जो इधर की तरफ आएगा वो होगा E2 cos थीटा। अब जरा विचार कीजिए, जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा AB है तो जो समांतर घटक है वो E1 के कारण E1 cos थीटा होगा और E2 के कारण E2
कॉस थीटा होगा, लेकिन ये कैसा होगा? तो जरा विचार करें, यहाँ देखें बच्चा, ये दोनों इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस बिंदु से दोनों ऐसे काम कर रहे हैं। विचार करके देखें कि यह इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये लगता किधर होगा? इधर की तरफ, क्योंकि ई वन और ई टू क्या है? समान है। इस प्रकार से जो है समांतर जो घटक होगा वो दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के परिणामी के योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। चूँकि हम कहेंगे यहाँ पर कि इस वैद्युत द्विध्रुव का लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो नीचे की तरफ है, ये दोनों बराबर होने के कारण निरस्त हो जाता है, जबकि इसका समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये जुट जाते हैं। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 का वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। किंतु समांतर घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुट जाते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी योग के बराबर होगा। परिणामी E हम पहले जोड़ देते बच्चा, फिर से लिखना पड़ेगा, योग के बराबर होगा। तो अच्छा, हम लोगों ने यहाँ तक इसको लिखने के बाद पुनः अब हम जो है जोड़ेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, समीकरण एक तथा दो से अब E1 और E2 का मान भरेंगे तो कैसा होगा? देखिए तो E1 के लिए मान भरिए बच्चा, 1/4πε0 के और Q बटा में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और प्लस cos थीटा भी है ना यहाँ पर, इसको भी जोड़ें, cos थीटा प्लस E2 के लिए रखें 1/4πε0 के और ये होगा बच्चा Q बटा में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू cos थीटा। दोनों का मान बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो दो गुना के बराबर हो गया। तो अब जरा सा देखें यहाँ पर, E बराबर 1/4πε0 के ठीक Q बटा में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और दो गुना था ना, तो हम इसको ऐसे 2 cos थीटा एक कोष्टक में डाल दे रहे हैं। ये दोनों के ये दो गुना किया गया है, बस ये इसको पहला और दूसरे को जोड़ करके दो गुना किया गया है, तो ये हमको प्राप्त हो गया। चूँकि
चित्र से कास थीटा को देखेंगे। बच्चा देखें द्विबेदी ध्रुव में ये कोण आपका थीटा है, तो कास थीटा चौथी कोणमिति अनुपात साइन कास टेन कॉस सेक और कॉसिक के लिए सब याद है ना, तो उसके लिए कास थीटा, तो कोण के सामने की भुजा क्या थी लंब, और ये क्या हो गया आधार, जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगी। तो कोण के सामने की भुजा आपका ये लंब है और ये आधार है, कास का कॉम्बिनेशन क्या बताता है आधार बटा में कर्ण, तो कास थीटा बराबर क्या होगा बच्चा आधार बटा में कर्ण। अगर पूछे आधार क्या है तो क्या बताएंगे हम ओबी, और कर्ण की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बीपी। चलिए इसका मान देखिए तो ओबी, ओबी क्या है एल के बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु से पूरी दूरी कितनी थी 2L थी, तो मध्य बिंदु से दूरी कितनी होगी L होगी, तो ओपी ओबी जो होगा वो L के बराबर होगा। और बीपी क्या होगा ऐसे देखिए तो बीपी, तो ये दूरी है ना आपका क्या है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, कहाँ है कणी में है, तो अगर कणी में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर कोई संख्या कणी में रहती है तो इसको कैसे निकालते हैं घात एक बटा दो, क्योंकि इसका मूल दो है, अगर मूल तीन है एक्स है तो कैसे निकालोगे बच्चा, तो एक्स पर घात एक बटा तीन निकालते हैं, ये कणी से संबंधित है निकालने का। अगर चार रहेगा तो क्या लिखोगे एक्स पर घात एक बटा चार, तो यहाँ पर मूल कितना है दो है, तो इसका घात क्या लिखेंगे एक बटा दो। तो यहाँ हमें कास थीटा बराबर प्राप्त हो गया है। अब इस कास थीटा का जो मान है इसको हम ले लेते हैं बच्चा समीकरण नंबर आपका तीन, समीकरण नंबर तीन में जा करके अब जो है हम कास थीटा का मान भरेंगे, तो समीकरण नंबर तीन से, समीकरण किस से तीन से, तीन से लीजिए तो क्या होगा देखिए तो ई बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ठीक है, और पहले ही से है आपका क्यू बटा में, बोलिए क्या है क्यू बटा में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, और टू और L इसके लिए आ जाएगा L, आकाश थीटा का मान हम लोग पूरा जो उठा करके भर रहे हैं ना, तो ये दो हो गया L बटा में क्या होगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पर घात एक बटा में दो, ये यहाँ तक हो गया। अच्छा हम चर्चा करके बताए थे कि गुणा की क्रिया में समान आधार के घातों को जोड़ देते हैं, भाग की क्रिया में समान आधार के घातों को घटा देते हैं, यदि किसी घातयुक्त राशि का कोई घात होता है तो उसके घात आपस में गुणा हो जाते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश को हर में या हर को अंश बदलते हैं तो उसके घात के चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, उसी हिसाब से हम लेंगे। तो चाहे यहाँ पर देखें अगर इसको हम घेर कर रखें, इस पर घात क्या होगा एक, इस पर घात क्या है एक बटा दो, तो यहाँ पर घात एक है और यहाँ पर घात एक बटा दो है, और इनके बीच में किसका निशान है गुणा का निशान है, आधार क्या है तब इसका समान है, जब आधार समान है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो एक में एक बटा दो जोड़ेंगे तो तीन बटा दो, तीन बटा दो का मतलब डेढ़, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं E बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू अब टू क्यू एल का बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पर घात तीन बटा दो। है बात समझ में आया ना कहाँ से तीन बटा दो आया है, एक धन एक बटा दो, यानी तीन बटा कितना होगा दो होगा। बच्चों अब यहाँ से हम पुनः ऊपर लेंगे तो फिर से ध्यान से देखें आगे, ध्यान नहीं हटाइएगा, ध्यान अगर जहाँ हटा समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स है ना, तो थोड़ा सा टॉपिक आप जो है इधर उधर ना करें, एकदम दिमाग से लगे रहें तभी इसका लाभ मिलेगा। तो चलो अब यहाँ पर इसको हम लेने जा रहे हैं, अब देखिए तो 2QL, 2QL क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे हम P कहते हैं। अच्छा तो वैद्युत द्विध्रुव चूंकि तो कह सकते हैं ना P बराबर क्या होता है 2QL होता है, ठीक है, ये 2QL क्या है ये है बच्चा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हो गया, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो लिख करके दिखाएं E बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, ठीक है, और ये केवल P बटा में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर पर घात तीन बटा दो। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया,
देखिए ये स्थिति तब है, इसको हम समीकरण का नाम देंगे, पीछे समीकरण हमारा तीन, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं चार है। तो अच्छा ये समीकरण नंबर चार उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई हमको क्या होती है, पता होती है, यानी यल जब पता होता है उस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और ये सूत्र नंबर चार की सहायता से यदि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एल दूरी पता होता है तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और ये समीकरण नंबर आपका हो गया चार। अब जरा विचार कीजिए, क्योंकि देखिए ये अल्प दूरी पर स्थित होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो एल का मान बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर बिंदु ओ से अगर जो दूरी हम ले रहे हैं पी की, अगर यह दूरी बहुत बहुत अधिक हो, यानी अगर एल लेसर लेसर देन क्या हो आर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि एल लेसर लेसर देन क्या है आर है, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य माना जा सकता है। उस स्थिति में क्या होगा बच्चा, ये तो एल एल स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा आएगा ई बराबर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, और फिर होगा आपका पी का बटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये होगा आर का क्यूब। तो ये समीकरण नंबर हो गया आपका पाँच, ये हो गया समीकरण नंबर पाँच। समीकरण नंबर पाँच हमारा इस प्रकार से मिला है कि एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी बटा में क्या हो गया आर का क्यूब, यहाँ तक मिल गया। अच्छा अगर हम जो पैरा वैद्युतांक माध्यम में रखे थे, अगर उसका मान इस प्रकार से लिया जाए कि वो निर्वात अथवा वाई में रखा जाए, तब तो उस स्थिति में तो यदि के बराबर एक निर्वात में जब रखा जाता है या वाई में रखा जाता है, तो उस डायलेटिक कांस्टेंट का जो मान होता है वो एक के बराबर होता है। जब वो एक के बराबर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये कहाँ के लिए है, निर्वात अथवा वाई के लिए। अगर ऐसा लेंगे बच्चा, तो उस स्थिति में तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण ऊर्ध्व दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये होगा आपका P बटा में R का क्यूब। और ये लास्ट हमारा समीकरण बन करके निकला, वो हो गया समीकरण नंबर छः। अब अच्छा यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान लिया, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु ओ से ऊर्ध्व दिशा में यानी निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान लिया समीकरण नंबर पाँच और छः से। अब ये जानना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो वो कैसी होगी, किस दिशा में होगी, विचार करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 इधर और इधर है, तो ये कहाँ काम कर रहा है, इधर कर रहा है। अच्छा इधर क्या है आपका, धन आवेश है, और इधर क्या है आपका, ऋण आवेश है। तो बोलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E की दिशा है वो किधर को होगी, इधर की तरफ होगी ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो AB के समांतर होगी, और कैसी होगी, तो धन क्यू आवेश से ऋण क्यू आवेश की तरफ। तो एक लाइन में हम जोड़ देंगे यहाँ पर कि E की दिशा धन क्यू आवेश से ऋण क्यू आवेश की ओर होगी तो अच्छा ये आज का टॉपिक आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान लिया है। सूत्र आप फिर से ध्यान से देखिएगा, घर पे पढ़िएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है, कोई दिक्कत होती है, तो मेरे मोबाइल नंबर से क्लिक करके, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल, कोई भी फिजिक्स से संबंधित किसी भी तरह का कोई परेशानी आपका बच्चा आ रहा हो, तो आप जो है हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं।